गाइस ये देखो घेर इतना है, ये देखो डबल। तो मेरा नीचे पार्सल आया अभी, तो मैं जाती हूँ और मैं पार्सल लेती हूँ, बने रहना गाइस ब्लॉग के साथ। जयपुर से आया मेरा पार्सल, तो आप समझ ही गए होंगे कि जयपुर से कौन सा पार्सल आया। डाक विभाग में थे तो हम लोग डाल के चलता होते थे, अभी पैकेट जा ही गई। एक ही पार्सल आया क्या? हाँ। क्या कर कहाँ पे कर? एक तो बहुत है, एक तो नहीं, एक और आएगा। यहाँ तो अपना नाम अच्छा, एक और आएगा अंकल जी। अभी जब आएगा हम दो चार दिन और हैं, नहीं आ जाएगा तो आज ही आएगा शायद शाम तक या फिर कल। तो ये भी पार्सल मैंने ले लिया है। तो गाइस ये अभी पार्सल आया था, वो अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मेरे एड्रेस पे दो तीन पार्सल मैंने लगवाया था, तो यही आसपास की रहने वाली है वो जिन्होंने भी मंगवाया है, तो मुझे ऐसे कंफर्म नहीं हो रहा कि ये किसका पार्सल है, तो खोल के ही पता लगेगा, तभी जाकर उनको मैं फ़ोन करूँगी कि भाई आपका पार्सल आ गया। ऐसे तो मुझे कैसे पता लगेगा क्योंकि मेरा ये एड्रेस है, मेरे नंबर है। तो अभी मैं ओपनिंग करती हूँ, तो जिन्होंने भी ये पार्सल मंगवाया वो भी मेरे ब्लॉग देखे, तो आप अच्छे से देख लेना कि मैं ओपन कर रही हूँ और देखती हूँ कि किसका पार्सल है। अब ऐसे भी कुछ नहीं लिख रखा कि भाई क्या है इसमें। इसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना लुक, मेरे से अच्छा लग रहा है इसका। और भाई ये पार्सल है सुनीता मीणा जी का, तो काफी अच्छा घेर है देखो। ये देखो मैं कितना लंबा ले हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये देखो गाइस ये देखो घेर इतना है, ये देखो डबल, और अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो गाइस किसी को भी अगर ये ड्रेस ऑर्डर करनी है तो मैं ये जो नंबर दे रही हूँ इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मुझे, तो बहुत प्यारी ड्रेस है, बहुत अच्छा घेर है इस ड्रेस में, और सेम यही ड्रेस बन जाएगी। और बाकी जो जहाँ से मैंने मंगवाई है उनकी आइडिया है जगदम्बा कलेक्शन के नाम से, आप वहाँ जाके भी मतलब चूज कर सकते हो ड्रेस को, और चाहे डायरेक्ट उनको आप मैसेज कर दो चाहे मुझे आप मैसेज कर दो। अगर मेरे थ्रू बनवाओगे तो मेरी गारंटी है, उनके थ्रू बनवाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं जगदम्बा कलेक्शन से बनवाती हूँ, श्री जगदम्बा फैशन, तो ये उनका एड्रेस है गाइज। तो गाइस मेरे आ गया गरम गरम पिज्जा, तो गाइस ये देखो इसमें लिखा हुआ पिज्जा, तो गाइस आज मैं खाऊंगी गरम गरम पिज्जा। और गाइस ना इसको ना डालने में ना मैंने पापा से बहुत विश मांगी, आखिरकार पापा ने ये दिलाई दी मेरी ये। तो गाइस ना अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ क्या हम बॉक्सिंग करेंगे। तो गाइज मेरा अभी पार्सल आया है, तो अभी बेल बजी है, तो मैं जा रही हूँ नीचे, तो देखते हैं उसमें कौन सा लहंगा निकलेगा और क्या लहंगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऑर्डर हो रही है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है मेरे को। तो कल जो आया था वो तो मैंने आपको साथ में ही खुल के दिखा दिया था, और सेकंड वाला आप दिखाऊंगी। तो ये कहाँ जा रहा है ये बच्चा? हेलो बच्चा मेरी सुनो, अगर आपको ये पजामी रुक नहीं रही है तो जरूरी है इसको पहनना। ये देख इशू की है ढीली, अरे यार इसका बांधने का आया था, तुम्हें बेचारी लपट रही है, जब उसी को बांध क्यों ना दे हो यार। शुर भाई, दीदी बाय, दीदी बाय।
ओए मम्मी यहीं रह गए रुको इधर दुकान इधर चौकू चौकू देखो चौकू देख चौकू ये रहा हाँ चौकू ये रहा भाई चौकू दे दो चॉकलेट चलो आपको एक चीज बताती हूँ ये जो लड़का है ना सुबह से कर रहा था मैं रोटी नहीं खाऊंगा आज मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं मेरी तो रोटी बनाना है ये ना ये आज कम हो गया थोड़ा सा अब रोटी छोड़ दी जूस पिया इसने का एक वो गाइस उसका चुकंदर को कैसे मनाया इसने उसका छिलका छिल थोड़ा सा और उसको पीस दिया पूरा मिक्सी में और पीसने के बाद में जितना पानी डाले तो जितना डालो उतना ठंडा होता जा रहा है वो फूल रहा था बार बार मतलब उसका वो थोड़े थोड़े मीर मीर और फिर बनाकर दे दियो मन सब ने मैं रोटी नहीं खाऊंगा रेवा के बाद में भूख लगी थोड़ी सी दो गिलास रावड़ी का पी ली उधर फिर घुमाया और अब कचौरी खा रहा है कचौरी ना रोटी आधी रोटी ला दीजिए जी खाइए आधी रोटी खाने पे बड़ी बात अरे भाया दो रोटी हमने तो दो खा जाए तो भूख कैसे सी लाग रही थी आज दो डंडोलो को कैन का अरे 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 इसका डांस देखो ना पहले उधर क्यों देख रहे हो विष्णु डांस देख जो डांस देखो गुन्नू आप दो डुगो आप भी करो गुन्नू के साथ ये रील में काय का ये सुन लिए तो गाइस ये पार्सल आया था और ये भाभी जी ने मंगवाया था तो अभी इनका पार्सल मैंने इनको कॉल किया फिर ये आ गई थी घर पे ही मैंने बोला आप घर पे ही आ जाना तो अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं और देखते हैं कैसा कैसा घेर कैसे सुंदर तो लग रहा है शादी का पार्टी के हिसाब से बहुत सुंदर है ये रात के टाइम बहुत सुंदर लगेगा जब आप पहनोगे ना रात के इस पे तो आपको ना अगर आप ग्रीन कलर की सब कलर की ओढ़नी चलेगी येलो भी बहुत सुंदर चलेगा येलो पे अच्छी चलेगी येलो पे अलग ही लोग ये अभी आपको ऐसे दिख रहा है ना जब रात के टाइम पहनोगे वो हिलेगा ना ये कपड़ा ऐसे ऐसे तो बहुत सुंदर लगेगा आपके हिसाब से घेरा आपको कैसा लगा अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है उधर देखो सिसे उनमें देखो क्या पहना हुआ कैसी लग रही है मम्मा अच्छी लग रही है वेरी गुड मैं तुमको बताओ मैं कैसी लग रही हूँ इसमें कैसी लग रही है उसमें बताओ मुझे डुगू तो पहले कपड़ा चेक ट्राई करेगी चेक करें कैसी है डुगू डुगू कैसी लग रही है ईशा आंटी को कैसा लग रहा है अच्छा है फाइनली इनको पसंद आ गई खूब अच्छी है बहुत अच्छा घेर है और अभी ये जा रही है बहुत रात हो गई भाई मतलब इनके हस्बैंड नीचे आ गए खड़े हैं तो ये इनकी बेटी है गुन्नू और एक तरह से मेरी फ्रेंड है तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे छोड़ने तो गाइस फिर मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद में जलेसु ईशा आंटी से बाय करना मेरे ईशा को बाय ने बोला बाय बाय सबको बाय करो दीदी को करो दीदी को करो और संजय सुन ले राजू या का मामा बोलो मामा बाय इसको कोई भी नहीं कोई भी मिलेगा ना उसको मामा ही बोलेगी ओपी मामा